नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की हद में बीते कुछ दिनों से एक अलग प्रकार का कंपटीशन रखा गया था। उस कंपटीशन के समापन की कल घोषणा कर दी गई। दरअसल ये कॉम्पिटिशन था रील्स कॉम्पिटिशन। साइबर क्राइम इस समय काफी बढ़ रहा है देश भर में, और साइबर क्राइम से बचने के लिए जन जागृति फैलाने मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय ने इंस्टाग्राम रील्स कंपटीशन का आयोजन किया था। यह कंपटीशन पिछले कई दिनों से जारी था। बीते महीनों में आयुक्तालय ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कंपटीशन का ऐलान किया था, जिसके बाद से कई लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए और आयुक्तालय की वेबसाइट पर जैसा बताया गया था उस तरह से लोगों ने नियम और शर्त पालकर इसमें भाग लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब समय था कल 5 तारीख को मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय ने इस कंपटीशन के विजेताओं को 6 जनों को नगद पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि फर्स्ट प्राइज 21,000 कैश प्राइज था, सेकंड प्राइज 11,000, थर्ड प्राइज 5,000, उसके बाद में 3 कॉन्सोलेशन प्राइज थे। इस तरह से 6 विजेताओं को कल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार कार्यक्रम मीरा रोड के लता मंगेशकर नाट्यगृह में किया गया। इस प्रोग्राम में शामिल होने हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार सोनू निगम भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बाद मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्त मधुकर पांडे ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस तरह के साइबर क्राइम से बचने की हिदायतें दी और आह्वान किया। हम सभी जानते हैं कि इस समय साइबर क्राइम काफी बढ़ चुका है और हर आए दिन कई ऐसी शिकायतें आती है जहां लोग शिकायत करते हैं कि उनको इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, फोन के थ्रू फोन आए और उनको ठगी का शिकार बनाया गया। तो ऐसे ठगी से हम किस तरह से बच सकते हैं, इसी विषय पर यह कॉम्पिटिशन था, जिसमें बेहतरीन रील्स बनाने वाले 6 विजेताओं को कल पुरस्कार दिया गया। देखिए इस कार्यक्रम की पूरी झलकी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में एक नाट्य प्रस्तुत किया गया, वो भी आप वीडियो में आगे देखिए। और क्या कुछ कहना है मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्त मधुकर पांडे का, वो भी सुनिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना का जो समय था, इसके बाद से एक लोगों में फेसलेस कॉन्टैक्ट होने का और उसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ने का एक सिलसिला है। हमने उसको कंट्रोल करने के लिए साइबर क्राइम अवेयरनेस का ये ड्राइव शुरू किया है और आज उसका उसके लिए जो हमने साइबर क्राइम रील कॉम्पिटिशन किया था, आज उसका यहाँ पे बख्शीश वितरण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में टोटल 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और इसमें से 6 लोगों को प्राइजेस हमने दिए हैं। इसके पीछे में हमारा जो आइडिया है वो ये है कि साइबर क्राइम इसको कंट्रोल करने के लिए हमें 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली कि ये केसेस को सॉल्व करना, उसके लिए हम लोग हमारे अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका जो स्किल अपग्रेडेशन है वो कर रहे हैं, हमारा अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि हम ये मैसेजेस जो है, अब कई बार हम ही जब क्रिएट करते हैं और लोगों को बताते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा है कि लोग खुद ही क्रिएट करें। इसके लिए हमने वसई विरार में आज से 1 महीना पहले एक पथनाट्य स्पर्धा शुरू की थी और उसमें वहां पे जो कॉलेजेस हैं बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। आज मीरा भाईंदर के एरिया में हमने रील्स कॉम्पिटिशन, इंस्टाग्राम रील्स कॉम्पिटिशन किया था, जिसमें कि 6 लोगों को ये प्राइज दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता, किस किस तरीके की चीजें हो सकती हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना, और हम ये प्रयास हमारा जो है वो चालू रहेगा। दोनों शहर के करीब 30-35 लाख की आबादी होती है, जितनी 30-35 लाख की आबादी में केवल 500 लोगों ने ही हिस्सा लिया इस कॉम्पिटिशन में। लगता नहीं कि पुलिस लोगों तक पहुँचने में थोड़ी कही कम रह गई? आपको लगता होगा सर, कौन पहले हुई होती तो जो अभी तो जो क्राइम हो रहे थे उसके पीछे भी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की वजह है। अब हमने अभी शुरू की तो हमने
जब हमको लगा शुरू करना चाहिए तो हमने किया। सर किस टारगेट ग्रुप को ज्यादा किया है, इसका साइबर क्राइम का जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड अगर कोई होता है तो कहीं से कमी महसूस हो रही है कि वो लोगों को फोकस नहीं किया गया तो वो बचे। इसका आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि ये जो बच्चे हैं ये इन्होंने जो एक एक रील बनाई है या जो पथनाट्य किया है वो पथनाट्य का कंटेंट क्रिएट करने के लिए उनको एक दिन नहीं लगा होगा। उन्होंने शायद ये कैसे करें इसके बारे में अपने घर में चर्चा की होगी, अपने पड़ोसियों से बात की होगी, अपने दोस्तों से बात की होगी, उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछा होगा, उनसे या फिर जब ये कर रहे होंगे और उनके पिताजी दादाजी ने पूछा होगा कि आप क्या कर रहे हो, इन्होंने बताया होगा और उससे घर में फैमिली में या जो सोशल सर्किल है उसमें अवेयरनेस अपने आप बढ़ेगा बढ़ा होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो कंटेंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली अवेयर होना खुद भी जरूरी है और इसीलिए जो बना सकते थे उनको बनाने के लिए बताया गया कि अब आपको अगर कोई SMS आता है उसमें कोई लिंक है तो उसको क्लिक मत करें, अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज आता है कि आपके घर की बिजली डिस्कनेक्ट हो रही है और नहीं तो आप इस नंबर पर फोन करो तो ऐसा उसको मत करें, अगर कोई ईमेल आता है तो ईमेल में जो स्पेलिंग है वो आप अच्छे से चेक कर लें और किसी भी थोड़ी भी हल्के से भी डाउट हो थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप किसी अपने जान पहचान के लोगों से पड़ोस के किसी स्टूडेंट से या किसी से पूछ लें और ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। सर आज 10 लोगों का पैसा रिकवर करके वापस दे दिया गया, कितने लोग थे और कितना पैसा जो है उनको वापस दिया गया? पैसा जो है वो एक 8 लाख का टोटल 23 लाख था, 4 लोगों को दिया गया है, ये प्राथमिक तौर पे था। और साइबर क्राइम के शिकार थे? जी हाँ साइबर क्राइम के शिकार थे, अपने लिए बाकायदा। सेफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन करें और सेफ न्यूज लाइव को मजबूत करें। धन्यवाद।